हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव फॉलो मी। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कुछ हटका होने वाले है डेफिनेटली, सो इसीलिए थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नीचे गुड कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे एक बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैं फिर से चली आई हेल्दी एक फिश करी रेसिपी लेके। ये पूरी तरह से बहुत ही हेल्दी है, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, और साथ में ऑयल फ्री है। तो इसके लिए डेफिनेटली चाहिए फ्राइड फिशेस। वेजेस, मैंने यहाँ कैप्सिकम, पोटैटो, कैरेट और कॉलीफ्लावर लिए हैं। और तड़का के लिए एक बड़ा प्याज, धनिया पत्ता, टोमेटो, दो हरी मिर्च और एक लहसुन। इन सभी वेजीज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं, एकदम छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। ये देखिए, एकदम बारीक कटी आपको चाहिए। और आलू को मैंने चॉप करके पानी में भिगो के रखा ताकि उनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। कढ़ाई में मेरा तेल गरम हो रहा है। तेल गरम होने पे मैंने प्याज, टमाटो, लहसुन और चिली ऐड कर दिए हैं, और ऐसे ही आपको 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। पांच मिनट बाद ये देखिए, जो तड़का वेजीज था वो कैसे सिकुड़ गया है, और साथ में ऑयल भी छोड़ना चालू हो गया है। फ्रेंड्स, इसका मतलब आपका मसाला ऑलमोस्ट भून गया है, कुक हो गया है। अब मैं इसमें चॉप्ड जो मेरा वेजिटेबल्स था उसे मैंने ऐड कर दिया। आप देख ही रहे हो कितना बारीक मैंने काटी, और अभी मैं इसमें ये चॉप्ड आलू भी ऐड कर दिए हैं, और इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से कुक होने दीजिए। अब सॉल्ट जितना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और इन सभी मसालों को वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुक करने के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 7 मिनट तक आपको ऐसे ही उसे जरा भूनना है, कुक करना है, पकाना है। और फिर मैंने ये चॉप्ड धनिया पत्ता जो था उसे भी ऐड कर दिए है। फ्रेंड्स, फिर से मैं इन सभी चीजों को एक साथ मिला के मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से कुक होने के लिए वेट कर रही हूँ। उसके बाद पानी ऐड कीजिए, जितना आपको कड़ी चाहिए उतनी, और फिर अच्छे से सभी को मिला दीजिए। 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही आप ये जो सब कुछ है इन्हें पकाने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद आप मछली को फिश करी में ऐड करने चालू कीजिए। और फिर इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि जूस जो है, जो करी है, वो अच्छे से उनके अंदर चले जाए। और 5 से 7 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन को खोल दिए तो ये देखिए, आपका हेल्दी फिश करी बिल्कुल कढ़ाई में रेडी हो चुका है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कीजिए और हेल्थ को और अच्छा बनाइए, साथ में आपका ब्यूटीफुल फिगर को भी ये मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यूज जो है, ये बहुत ही हेल्दी है, एकदम परफेक्ट फिट
फॉर योर बैलेंस डाइट लंच। इसे बच्चों से लेके बूढ़े सभी बहुत ही अच्छा एंजॉय करेंगे और हेल्दी भी है। सो फ्रेंड्स, कहा था वीडियो अच्छा लगने वाले है, तो अच्छा लगा तो लाइक बनता है, नीचे गुड कमेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटिव फॉलो मी एंड यू फॉलो माय चैनल क्रिएटिव फॉलो मी। आज के लिए इतना ही।